लड़ाई बार बार कह रहा हूं व्यवस्था परिवर्तन की है, लेकिन उसके साथ सामाजिक आंदोलन की भी जरूरी है। जो लोग ये कहते हैं सामाजिक आंदोलन से बड़े राजनीतिक आंदोलन है, तो कहता मूर्ख लोग हैं, क्यों बिना सामाजिक आंदोलन के कभी भी राजनीतिक आंदोलन बन नहीं सकता। इस देश में क्रांति की आगाज हो रहा है तो समाज को ठंडा करने की आवश्यकता नहीं है, उस गर्म खून को और बढ़ाने की आवश्यकता है। कभी सुना समण की बेटी के साथ बलात्कार आ जाए, पूरा देश खड़ा हो जाता है, वो देश की बेटी बनती है? कभी किसी दलित की बेटी के साथ क्या देश की बेटी बनती है? हो जाए तो शहरों से इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं, गांव में जाके इतिहास बदला जाता है। हम ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलन नहीं करेंगे, हम पढ़े लिखे लोगों को ही बुद्धिजीवी बनाएंगे। लो मंत्र उच्चारण ले लो तुम। बुलबुलों के पंजों में बाज नहीं रहते और बुझ दिलों के सीने में राज नहीं रहते, और जिस कौम को पड़ जाए सर झुकाकर चलने की आदत मेरे दोस्तों, उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं रहते, ताज नहीं रहते। इस समाज को समझना होगा, जब ज्ञान की बात आती है तो कभी बुद्ध कभी रैदास बन जाते हैं, जब ज्ञान की बात आती है तो कभी बुद्ध कभी रैदास बन जाते हैं, जब शिक्षा की बात आती है कभी ज्योतिबा कभी सावित्री बन जाते हैं, और जब संघर्षों की बात आती है तो कभी बिरसा कभी भगत और कभी उधम सिंह बन जाते हैं। जब इस देश का इतिहास बदलने की बात आती है तो मनुवादियों का बाप डॉक्टर बीआर अंबेडकर बन जाते हैं। और याद रखिएगा, झुके हुए कंधों से हम लोग संघर्ष करने की बात कर रहे हैं, झुके हुए कंधों से संघर्ष करने की बात कर रहे हैं। मैं कुछ चीजों पे आना चाहता था, धीरे धीरे थोड़ा करूंगा, थोड़ा समय चाहूंगा जरूर आपके माध्यम से। समाज में हम लोग अपने बच्चों की लाशों को कंधे पे उठा रहे हैं, दर्द नहीं हो रहा? अपनी बेटी की इज्जत को सरे राह नीलाम होते हुए देख रहे, दर्द नहीं हो रहा? एक मां पूरी 9 महीने अपने बच्चे को पालती है, लेकिन जब उसी समाज के बच्चे यानी वो माँ अपने बच्चे को खोती है, हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए संवेदना प्रकट करने तो जाते हैं अपने समाज के बच्चों को, लेकिन उसे न्याय दिलाने के लिए कभी खड़े नहीं होते। क्या दुख नहीं होता? एक बाप पूरी जिंदगी अपने बच्चे को अपने कंधे पे लेके चलने की कोशिश करता है, लेकिन उस बच्चे की लाश हमें इसलिए उठानी पड़ती है क्योंकि इस देश में जातिगत शोषण हमारे समाज का बार बार होता है, जिसमें हमें अपने बच्चों की लाशों को उठाना पड़ता है, और हम फिर चुप हो जाते हैं। हम इंतजार करते हैं कब आ तो दूसरे का मरा, कल मेरा कब मरेगा तब आऊंगा। कहना बहुत चाहता हूं, लेकिन कई चीजें कई बातें ऐसी होती हैं कि कहीं मेरे अपनों को बुरा ना लग जाए। अरे कब तक उठाओगे अपने बच्चों की लाशों को? क्या शर्म हया मर चुकी हमारे समाज की? जमीर मर चुका है? ये सवाल आपसे करने आया हूं। देखिए, राजनीतिक लड़ाइयां हो सकती है हमारी, लेकिन हमारी सामाजिक लड़ाई आपस में एक दूसरे के साथ नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक द्वेष भावना में हमें अपने परिवार को तोड़ना नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, राजनीति के कारण अपने ही समाज के लोगों को गरियाने में लग जाते। आज मैं यहां पहुंचा हूं तो कहीं ना कहीं सामाजिक संगठनों की भी देन रही। अगर मैं बाम सेव का कैडर नहीं पढ़ता तो अपने इतिहास को नहीं जान पाता। अगर मैं सामाजिक संगठनों के साथ खड़ा नहीं होता तो इस लड़ाई में कभी आगे आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ पाता। हम डरते हैं, हम ये कहते हैं बार बार मंचों से कि नेता मंच से पैदा होता है,
मूर्ख है वो लोग, क्योंकि नेता जमीन से पैदा होता है, आपके बीच में से पैदा होता है। कहते हैं भगत सिंह पैदा हो रहे हैं, लेकिन किसके घर में पैदा हो रहे हैं? अमीरों के घर में। और जो संघर्ष जमीन पे करने वाले लोग हैं, आप जैसे लोग, उन्हें क्या कहा जाता? दड़िया बिछाओ, आप झंडे उठाओ बस, लेकिन अपने समाज की आवाज मत उठाओ। भीड़ का हिस्सा बनो, लेकिन इस समाज का नेतृत्व मत लो। आज तमाम जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके जितने भी पदाधिकारी होंगे, आपको सारे के सारे एक एज ग्रुप के मिलेंगे। क्या युवाओं को वहां पे जिम्मेदारी नहीं मिलनी चाहिए? मैं बार बार कहता हूं, क्यों नहीं युवाओं को जिम्मेदारी दी जाती? लाठी वो खाएगा, डंडे वो, गोलियां वो खाएगा, थानों में अपने ऊपर FIR वो करवाएगा, और उसके बाद क्या कहेंगे? नेता तो मेरा बेटा ही बनेगा। क्या ये सिस्टम गलत नहीं है? मैं कई चीजों को जोड़ के बात कर रहा हूं आपके बीच में आज, क्योंकि समय का अभाव है। कहते आरक्षण की लड़ाई चलती रहेगी, कैसे चलती रहेगी? लोग कहते बच्चों की लाशें उठती रहेंगी, कैसे उठती रहेंगी? जिस दिन तुम्हारी औलादें मरना शुरू होंगी, तब पूछूंगा कितनी औलादें आप कहोगे कि यह लड़ाई चलती रहेगी। पहले पॉलिटिकल बदलाव ले ले। वजह यह है, इनके नाम पर राजनीतिक सियासत तो होती है, लेकिन इन्हें न्याय दिलाने की लड़ाई नहीं होती। NCERB का डाटा यह कहता है 48,000 था रेशो, 57,000 हो गया है बच्चों की लाशों अपने SC ST एक्ट में जो केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, और 10% केसेस रजिस्टर्ड होते हैं, तब हम 57,000 पे आ गए। फिर भी हम ये कहते हैं सिर्फ पॉलिटिकल बदलाव करवा लो, 5 साल में शत्रुमुर्गों की तरह निकलोगे और कहोगे वोट दे दो। बुरा मत मानिएगा मेरी बात, मैं कड़वी बात पहले ही कह दी, मैं कड़वी बोलूंगा। आइए ना पूरे 5 साल सड़कों पर संघर्ष करने के लिए। आज हमें लड़ाई की आवश्यकता है। अगर मैं बार बार समाज के बच्चों से एक बात पूछता, परिवार के अपने, क्योंकि आप मेरे परिवार के लोग हैं, आपसे एक सवाल लेकर आपसे पूछता हूं, यदि आज आपके बच्चों को कोई मारने पे तुला है तो आप ये कहेंगे राजनीतिक परिवर्तन हो जाए उसके बाद बचाऊंगा, आज मार ले तू, या उसी समय बचाएंगे? उस बंदे की वहीं टेरिटरी दबाएंगे और वहीं पे मार देंगे, क्योंकि पहले आप अपने बच्चे को बचाएंगे, बाद में केस को देखेंगे। लेकिन हमने क्या कर लिया है राजनीतिक मंचों से? आधा आधा एक घंटा भाषण देंगे हम लोग, घंटों जमीन पर कुछ करना नहीं है हम लोगों ने, आरोप लगाएंगे बड़ी जल्दी। लड़ाई बार बार कह रहा हूं व्यवस्था परिवर्तन की है, लेकिन उसके साथ सामाजिक आंदोलन की भी जरूरी है। जो लोग ये कहते हैं सामाजिक आंदोलन से बड़े राजनीतिक आंदोलन है, तो कहता हूं मूर्ख लोग हैं, क्यों? बिना सामाजिक आंदोलन के कभी भी राजनीतिक आंदोलन बन नहीं सकता। और हम लोग बार बार यही कहते रहते हैं, हम लोग कहते हैं जब भी मंचों पे बात करते हैं, मैं एक लड़ाई लड़ रहा हूं, ये तो एक अलग मामला हो सकता है, क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं पूंजीपति संगठनों ने, हमारे ही समाज के पूंजीपति संगठनों ने सामाजिक आंदोलनों पे कब्जा भी कर लिया है, जो हकीकत है। 9 अगस्त को पूरा समाज दिल्ली की सड़कों पर आ गया था, जंतर मंतर बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के लिए आया था ना, लेकिन वहां पे बाउंसर लगाने का क्या मतलब था? सवाल ये मेरा है आप लोगों के बीच, आपने ही चंदा दिया था ना उन आदमियों को करने के लिए, यानी मंच आपका, भीड़ आपकी, समाज आपका, और आपको मंच से चढ़ने के पहले ही कह रहे हैं बाउंसर खड़े हैं चलो साइड कर दो। क्या ये मजाक नहीं है ऐसे सामाजिक संगठनों का? हमें सोचना नहीं चाहिए? जब लड़ाई, बार बार ये बात कहते हैं ये हाथ में 5 उंगलियां हैं और पांचों की पांचों अलग अलग बराबर के साइज में, लेकिन बिना, अगर आप सोचें एक उंगली से काम कर लेगा तो कोई भी तोड़ देगा, और जब मुट्ठी बन जाएगी तो किसी की औकात है कोई उखाड़ के देखे? लेकिन हम देखते क्या है, हमारे अपने ही सामाजिक संगठन, हमारे अपने सामाजिक संगठन वो हमें तोड़ने का काम करते हैं, बना लेते हैं महासंघ, बहुत सारे लोग हैं,
जो व्यक्ति अपने मोहल्ले का चुनाव नहीं जीत सकता, अपनी गली का चुनाव नहीं जीत सकता, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के आ जाता है आपके बीच में। क्या ऐसे संगठनों से हमें बचने की आवश्यकता नहीं है? क्यों नहीं पूछते जब हम सामाजिक लड़ाई लड़ रहे होते हैं, जब अपने ऊपर FIR करा रहे होते हैं, थानों में अपने अपना पैर तुड़वा रहे होते हैं, उस समय सामाजिक संगठन कहां गए हो जाते हैं, उनके बच्चे कहां जाते हैं? ये सवाल हम लोग क्यों नहीं पूछते अपने उन संगठनों से? मैंने पढ़ा, एक पूरा मैटर देखा मैंने, बहुजन स्वाभिमान संघ ने, इन्होंने हर संगठन को आर्थिक सहायता करी, हर आंदोलन में इन्होंने आर्थिक सहयोग किया, किसी को 5,000 किया, किसी को 17,000 किया, किसी को 3,000 किया, किसी को 5,000 की दो वो करके इस तरीके से पैसा दिया। लेकिन क्या वो पैसा, ईमानदारी से बताइएगा, इस आंदोलन के बावजूद भी हम इस आंदोलन को आगे बढ़ा पा रहे हैं? दिल पे हाथ रख के बता दीजिए। हम लोग ये कह रहे हैं कि समय आ गया है युवाओं को नेतृत्व देने का। अगर आपके अंदर इतना दम होता ना, मेरी बात से कुछ मेरे बुजुर्ग साहिबान जो है वो थोड़ा नाराज हो सकते हैं, मैं माफी मांगता हूं, मेरे अपने बुजुर्गों, आप हमें हमारे बनी है ना गार्जियन, हमारे संरक्षक बनी है ना, कोई रोक थोड़ी रहा है। लेकिन हम ये कह रहे हैं जब इस देश में क्रांति की आगाज हो रहा है तो समाज को ठंडा करने की आवश्यकता नहीं, उस गर्म खून को और बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर यही सोच के साथ अगर उधम सिंह भी रह जाते, बिरसा मुंडा भी अपने घर में बैठ जाते, तो क्या बदलाव हो जाता? ये जो आज हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं यहां पर, जब मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया, एक फोन आया, मैंने मना नहीं किया, मालूम है क्यों? करने को बहुत कर सकता, क्योंकि मीडिया के साथ ही लगातार मेरा इंटरव्यू लेते, कर सकता था, लेकिन मीडिया के माध्यम से मैं आपके डायरेक्ट आपसे आमने सामने रूबरू नहीं हो सकता, उस रूबरू होने के लिए इस कार्यक्रम में आया। आपके आगे एक आंदोलन की भी बात हम लोग करना चाहते हैं। रिजर्वेशन का जो मामला चला, हमारे दिल्ली के तमाम बुद्धिजीवी संगठनों ने कहा कि हम लोग तटस्थ रहेंगे, अमीरों को तो जरूरत नहीं है आरक्षण की, सीधी सी बात है, उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो गरीबों के बच्चे हैं, जो हमारे समाज के जो बच्चे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, क्या उन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है? वो कहते हैं हमारे पूंजीपति संगठन, हम तटस्थ रहेंगे, हम निकलेंगे नहीं। क्यों भाई? तुम आरक्षण नहीं लोगे, लेकिन इस समाज के जो गरीब बच्चे हैं, जो हमारे बहुजन समाज का जो पूरा समाज है, उसे तो आरक्षण चाहिए ना, आप नहीं निकलोगे। इस बच्चों में, इस देश में बच्चों की लाशें निकलती रहेंगी, उठती रहेंगी, हम अपने कंधों पर उठाएंगे, और आप नहीं निकलोगे, क्योंकि हमने तो आपको अपना रहबर माना है ना, अपने बुजुर्गों को रहबर माना है हमने। मेरी 3 बेटियां हैं और मैं हमेशा जिक्र करता हूं, डर लगता है मुझे भी, बाप कितना भी मजबूत हो जाए लेकिन एक टाइम पर डरता भी है, क्योंकि इस रास्ते में निकलते हुए वही मानसिकता के लोग सड़कों पे निकल रहे हैं। जब मूछ रखने तक पे हमारे बच्चों को मार दिया जाता है, हमारा जमीर नहीं जगता। जब सवर्णों की जमीन पर निकल जाने पे हमारे बच्चों को मार दिया जाता, हमारा जमीर नहीं जगता, इतने कमजोर हो गए हम। भाषणों में बाबा साहब को याद करेंगे, बुद्ध की बात करेंगे, लेकिन समाज के बच्चों को न्याय दिलाने की बात नहीं करेंगे। कई लोग कहते हैं मैं भावनात्मक हूं, हाँ हूं भावनात्मक, अपने समाज के लिए हूं भावनात्मक, और जरूरत है भावनात्मक होने की। कभी सुना सवर्ण की बेटी के साथ बलात्कार आ जाए, पूरा देश खड़ा हो जाता है, वो देश की बेटी बनती है? कभी किसी दलित की बेटी के साथ क्या देश की बेटी बनती है? हो जाए तो कौन लड़ेगा? सिर्फ ताली बजाएंगे हम यहां के, मैं भी बजा लेता हूं आपकी तरह। क्या न्याय मिल गया मेरे बच्चों को, मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को, मेरी माओं को, मेरे पिताओं को, जिस कोख से वो बच्चों को जन्म देती है, उनकी लाशें जब उठती हैं, क्या उस दर्द को एहसास करते हो आप लोग?
समय आ गया है इसकी ये आंखें खुलने से ज्यादा इस आंखों को भी खोलने का समय आ चुका है, दिल की आंखें। हर जगह ये काम नहीं करेगा, ये भी करेगा। हर जगह सियासत काम नहीं करेगी। हम लोग चाहते हैं इस देश की न्यायिक व्यवस्था में हमारा प्रतिनिधित्व, बार बार कहते हैं ना, लेकिन हम ये नहीं कहते उस प्रतिनिधित्व को लेने के लिए पहले अपने परिवार के जो दुख होते हैं ना उसमें उसके साथ खड़े हो जाएं। अभी शादी फंक्शन का न्योता होता ना तो ये पूरा हॉल भर जाता, सारे के सारे मोहल्ले वाले दावत चली जाती। लेकिन जब उसी समाज के किसी बच्चे के साथ घटना हो जाती है ना, वो अकेला संघर्ष करता, कोई साथ खड़ा नहीं होता। ये लड़ाई को बदलना होगा, और अगर अभी भी नहीं जागोगे तो मैं माफी चाहता हूं। आपने जातिवाद का एहसास नहीं किया क्योंकि शहरों में रहते हैं। मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में जाके बहुत ज्यादा जातिवाद का देखा है। मैं जब मध्य प्रदेश गया वहां पे आज भी, रीवा के अंदर बता रहा हूं सर, रीवा जैसे शहर के अंदर, वहां से थोड़ा सा आगे चले जाओ, अगर समाज के किसी बच्चे की मौत हो जाती है ना तो उसे सार्वजनिक स्थल पर जलाने भी नहीं दिया जाता। सार्वजनिक शमशान घाट में उसे अपने गेट पर जलाना पड़ता है। यह हालात है रीवा कटनी सीरी की तरफ चले जाओ तो। आप लोग शहरों से इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं, गांव में जाके इतिहास बदला जाता है। आज भी इस देश की बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में है। हम ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलन नहीं करेंगे, हम पढ़े लिखे लोगों को ही बुद्धिजीवी बनाएंगे। लो मंत्र उच्चारण ले लो तुम। और मैं आपसे सिर्फ इतनी दरखास्त कर रहा हूं, समाज की, समाज के बच्चों को, समाज की उन माओ को, समाज की उन बहनों को आपकी आवश्यकता है। और इसमें तमाम ऑर्गेनाइजेशन संगठन की भागीदारी है, रहेगी। अगर आज हम लोग कहीं पहुंचे हैं तो उसमें तमाम सामाजिक संगठनों की वजह से है। अगर उनके कैडर हमारे बीच में नहीं होते तो आज आप लोग भी यहां नहीं होते। तो किसी को अगर हम ये कहें कि उसने नहीं किया तो हम उसे गरियाने लगे, वो गलत है। और सिर्फ इतना कहता हूं, संगठन छोटा या बड़ा नहीं हो सकता, विचारधारा आपकी छोटी या बड़ी हो सकती है, सोच आपकी छोटी या बड़ी हो सकती है। तो अगर किसी संगठन में एक व्यक्ति भी है ना तो उसका भी अब सम्मान करना होगा। उसे ऐसी चैन बनाने का काम कीजिए, अगर बिहार में कोई घटना घटती है तो दिल्ली के संगठन खड़े हो जाएं, अगर राजस्थान में कोई घटना घटती है तो उत्तर प्रदेश के भी संगठन खड़े हो जाएं। तो एक चैन बनाने की आवश्यकता है। और मैं आपके माध्यम से अंत में एक बात जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, नवंबर में दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में हम एक आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं आर और पार की। और यह आर और पार का सीधा है, जिसमें हमने साफ कुछ चार चीज़ों चार मांगे मारी हैं उनके साथ सीधा आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। उसमें मैं प्रमुखता से चार बातें आपको बता दूं क्या क्या मांग है। नंबर एक, आरक्षण और SC ST एक्ट को 9वीं अनुसूची में डाला जाए, क्लियर। दूसरी बात, कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करके वहां पे रिजर्वेशन की जो है रिजर्वेशन लागू किया जाए, क्योंकि न्यायपालिका में भी हमारे लोगों का होना आवश्यक है। तीसरा, जो बैकलॉग है उसे फुलफिल किया जाए, क्योंकि 22.5% आरक्षण होने के बावजूद भी हमें सिर्फ 8% पर रोक देते हैं ये लोग, NFS लगा के बैकलॉग भरा जाए। और ये लड़ाई सिर्फ रामलीला तक नहीं होनी चाहिए, हमने ऐलान किया है अगर जरूरत पड़ी तो उसी दिन हम राष्ट्रपति का भवन का भी घेराव करने के लिए तैयार हैं। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे कुछ हो जाए। और अंत में इतना ही कहूंगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत।